वासियों का भरपूर प्यार मिल रहा है और आप सभी पत्रकार साथी जो छायाकर साथी हैं उन सभी का धन्यवाद जो आज रामलीला के मंचन को प्रदर्शित करने के लिए लोगों को दिखाने के लिए आप यहाँ पे बता रहे हैं। और सभी से अनुरोध आज 14 अक्टूबर आज रामलीला का जो शुभारंभ होगा और सिरसा के जो तारा बाबा कुटे के मुख्य सेवक हैं गोविंद कांडा जी वो इसका शुभारंभ करेंगे। सिरसा वासी को अनुरोध है जरूर सारी बड़ी तादाद में यहाँ पे आएँ और हमें प्यार दें अपना समर्थन दें। तो क्या कुछ खास मान के चले इस रामलीला में? इस रामलीला में जो आज का मेन पहले जो स्टार्टिंग होगी वो श्रवण के रोल से होगी। जो श्रवण जी हैं वो किस तरह अपने माता पिता की सेवा करते हैं, किस तरह उनका जो अपने पिताजी माता पिता के लिए पानी लेने जाते हैं और किस तरह उनका जो उनका जो तीर मार के उनका जो वध किया जाता है तो वो बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा इस रामलीला में सबसे सिरसा के इतिहास में पहली बार जो राम बारात निकाली जाएगी, राम बारात में सिरसा के जो जितनी भी सामाजिक सेवाएं संस्थाएं हैं वो सभी यहां पार्टिसिपेट करेंगे। और आप मीडिया के माध्यम से भी एक अनुरोध करना चाहते हैं सभी से कि जो भी इस बारात में शामिल होना चाहते हैं तो उनसे संपर्क जरूर करें। तो विष्णु गोपाल भी सर राम बारात निकालने की बात कर रहे हैं, आप भी निकाल रहे हो, शहर वाले देखो जी की स्थिति में आएंगे कि दो दो राम इस बार बारात लेकर निकलेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सबकी इच्छा है, जो भी है जो करना चाहता है सबका स्वागत है। राम का प्रचार हो रहा है, राम नाम का प्रचार हो रहा है, इसमें कोई भी बंधित नहीं है, किसी भी रोक टोक नहीं है। और राम की बारात जो भव्य निकाली जाएगी वो हमारे मन की इच्छा भी हम भव्य रूप से निकालें। और भव्य लोगों का नज़रिया वो किस नज़र से देखते हैं, उसको भव्य नज़र से देखते हैं छोटी नज़र से देखते हैं उनका नज़रिया रहेगा। मंचन होता है राम रामायण का मंचन होता है उसके उससे क्या है जो एक नशा जो कुरूतियाँ फैली हुई हैं उसको एक प्रदर्शित करने के लिए एक नाटक मंचन किया जाता है जिससे क्या लोगों में एक अच्छा संदेश जाता है, अच्छा मैसेज आता है। जो मंदिर में जो लोग उसकी तरफ आकर्षित नहीं हो पा रहे वो उनकी आस्था है रामायण की तरफ, सबकी आस्था, इसलिए रामायण का मंचन किया जाता है। कई बार देखा गया है कि रामलीला में आम तौर पर कर रहे हैं मेनली का रामायण में रामलीला में अच्छे धार्मिक गीत संगीत पर लगाए जाते हैं और उन्हीं पर जो भक्ति गीत होते हैं उन पर जो नृत्य किया जाता है, नृत्य पुराने प्राचीन काल में भी किया जाता था और अब भी किया जा रहा है, तो वो हम प्रदर्शित करेंगे और एक अच्छा संदेश अच्छा मैसेज लोगों के पास जाएगा। दशहरा भी मनाया जाएगा? जी दशहरा इस साल नहीं, अगले साल कोशिश है पूरी। और एक्चुअली कम समय में इस रामलीला का जो मंच का स्थापन किया हमने तो इतना समय हमें नहीं मिल पाया, अगर शहर वासियों ने हमें सहयोग दिया इन 10 दिनों में तो अवश्य हम जो दशहरा दहन राम दहन रावण दहन शुरू करेंगे। हाँ जी दशहरे पे कोई शोभा यात्रा या कोई इस तरह का दशहरे पे शोभा यात्रा निकलेगी बाजारों में? शहर में दो रावण दहन हो रहे हैं उनमें से किसी के साथ होगा? नहीं, रावण दहन का तो हमारा इंडिविजुअल रहेगा जो भी रहेगा, परंतु जो शोभा यात्रा पूरे शहर के मुख्य बाजारों में से होकर इसी मंच पे आएगी और इसी मंच पे दशहरे वाले दिन एक लाइव शो जो कलाकार हैं यहाँ के अभिनय करने वाले जिनको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया अब तक उनको एक अच्छा यहाँ स्टेज दिया जाएगा, यहाँ पे डीजे लाइट्स वगैरह सब कुछ लगा ही तैयार मिलेगा और यहीं पे उनका जो एक लाइव शो उनको उनके जो जो उनके अभिनय है जो उनकी जो उनके अंदर कला है उसको लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए एक स्टेज देंगे। तो बड़ी रामलीला मान के चले और बड़ी उम्मीद है, बड़ी लगी रही और बड़ी हो भी जाएगी। नहीं तो बड़ी का पैरामीटर सर क्या होता है कि बार बार चर्चा होती है इसी बड़ी रामलीला है तो बड़ी का पैरामीटर? नहीं, बड़ी का हमने कभी नहीं कहा, भव्य का है। भव्य का मतलब यह है भव्य अलौकिक दर्शन जिसे कहते हैं, भव्य मतलब लोगों को एक अच्छा कुछ सीखने को देखने को मिलेगा यहाँ पे वो चीज़। आज को आ जाएंगे जो तारा बाबा कुटी मुख्य सेवक हैं श्री गोविंद कांडा जी और कल आएंगे यहाँ पर 15 अक्टूबर 2023 को माननीय विधायक सिरसा गोपाल कांडा जी वो यहाँ रामलीला में अपने हमें आशीर्वाद देंगे। 13 सालों से आप विष्णु क्लब का पार्ट रहे हैं, अचानक ऐसी क्या स्थिति आ गई कि आप लोगों को एक अलग क्लब मंचन या शुरू करना पड़ा? जी स्थिति ऐसी रही, कोई भी रामलीला जो पहले पुरानी चलती थी उसमें क्या दादा फिर बेटा फिर पोता ऐसे वो अभिनय करते आ रहे या रिश्तेदार हैं उनको भी रोल मिलता जा रहा है। आप इस स्टेज में सिरसा का पहला स्टेज ऐसा स्टेज है जहाँ पर जितने भी कलाकार आपको देखेंगे सारे टोटली नए हैं, नए चेहरे हैं, परंतु उनके अंदर भावनाएं जो कला है वो काफ़ी पुराने साल से भरी हुई है, उनका अभिनय आप देखोगे आपको खुशी मिलेगी। और किसी के लिए प्रमोटिंग की तो जो नए आर्टिस्ट जो आएंगे 2-4 उनके लिए प्रमोटिंग की जरूरत पड़ेगी, बाकी सभी को पूरी रामायण याद है और जितने भी जो शब्द जो भजन कीर्तन जो भी करना मैंने गाना है सब कुछ उनको याद है। टोटली कितना बजट इस पे खर्च चुका है, क्या प्रबंध है बजट कैसे? बजट इसमें कुछ सोचा नहीं है, बजट तो राम भगवान जी राम भगवान की कृपा से आ रहा और लग रहा है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, इसमें जो भी राम भगवान की कृपा से आ रहा है। इस दिन यहाँ पे आप जो संगत आएगी वो भरपूर आशीर्वाद देगी और सबसे अच्छी बात यहाँ पे जो मन्नतें हैं लोगों की अवश्य पूरी होंगी। सर एक बात और कॉन्फ्रेंस हुई थी
विष्णु क्लब की कल रामलीला है, किसी भी रामलीला में पार नहीं था। यहाँ पे गया था, जो जो पुराने कलाकार हैं जिनको स्टेज नहीं मिला आज तक अभिनय करने का, तो उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए हमारी मीटिंग बैठी, तो उन्होंने कहा भी हम करना चाहते हैं। हमारे उस्ताद जी हैं कमल लड्डा जी, तो इनकी ये डायरेक्टर हैं, संजय जी हैं, कुछ वजह ये रही, कुछ नए बंदे जुड़े हुए हैं, हमारे को मान सम्मान नहीं मिलता, तो नेचुरल लगे अलग प्लेटफॉर्म हो। नहीं तो कभी आपने बातचीत करने की कोशिश करी कि मान सम्मान नहीं, इसमें आपसे द्वेष नहीं है, किसी के मन मुटाव नहीं है, कोई नहीं है, हमारा वो भी मंच हमारा है, ये भी मंच हमारा है, हम राम मतलब में मन भेद नहीं है, किसी में मत भेद है, वो भी इसी वजह से कोई छोटी छोटी गलतियों की किसी तीसरे पर्सन की गलती वजह से कुछ ऐसा हो सकता है, मन भेद नहीं है, सिस्टम नहीं है, कोई रोल के वाइज कोई दिक्कत है, ऐसा कुछ कोई बात है। राम का रोल तो पिछले साल विष्णु क्लब में रोमी ने नहीं किया था, ऐसी कोई बात होती पिछले साल ही स्टेज खड़ा हो जाता। ये तो जो पुराने जो कलाकार हैं जो जो पुराने जुड़े हुए हैं, कोई उनकी इच्छा थी भी यहाँ करना चाहते हैं, एक नया मंच मिले, तो हमने यहाँ पे कोई जाति पाति कोई भाईचारा कोई रिश्तेदार कोई नहीं सोची, यहाँ पर कोई सारे कहीं जाति के सभी आपको सभी जाति के लोग हैं, सारे भाई अपने आपस में सारे मिलके कर रहे हैं, सारे मिलेंगे सारे यहाँ मिलके कपड़े ऐसी भी निकल फोटो में क्या है मंचन कर नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ मंचन हो रहा है, मंचन से बोल रहे हैं। देखो जो ऑडियंस जिसने लगवाना पैसे देके लगवाना है अपना, कई मर्जी लगवाए, अगर मैं रामलीला मंचन में सोचूं या मैं कोई मेरे गाने आए मैं कुछ और काम कर रहा हूँ मैं लगवाता रहता हूँ, कुछ मेरा वो नहीं है भाई, वो लगवाएंगे उन्होंने नहीं लगा मैं नाराज हुआ, ये तो अपनी इच्छा है, लगवाओ ना लगवाओ तो कोई मर्जी लगवाओ। देखिए जो नशा फैल रहा है जो उस पर आप रोक तो खुद लगा सकते हैं, और जो पुरानी कुरीतियाँ जो अंधविश्वास है उस पर भी एक मंथन करके उसको लोगों को अच्छा विश्वास अच्छा प्रेम अच्छा मैसेज देने के लिए आप ऐसी जगहों पर आएँ, अच्छी चीज़ें सुने, अच्छी शिक्षा देखें, तो हमें पॉजिटिविटी आएगी, जिससे क्या है जो बुराइयाँ दूर होंगी। मेनली क्या सबसे अनुरोध है, शहर में जो नशा फैल रहा है, नशा फैलने की मेन वजह ये है एक जागरूकता नहीं है लोगों में, सिर्फ नशा बेचने वाले को छोड़कर नशा करने वाले को रोका जा रहा है, अभी तो नशा ना करें, होना क्या चाहिए जो नशा बेच रहा है उसके रोक होनी चाहिए। और देखो मंथन तो कहते हैं कोई भी चीज़ के लिए एक आत्मिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बंदे को, भावना जुड़ेगा, जैसे लोग कहते हैं भी मीट नहीं खाना दारू नहीं पीनी नवरात्र में, तो पॉजिटिविटी तो ये नहीं नशा रोकने के लिए मीनिंगफुल, ऐसे नहीं भी मीनिंगफुल नहीं होगा, समझ नहीं आएगा, समझ आएगा लोगों के दिल में चरित्र में उधारने की वो कोशिश करेंगे। मुझे अपने ट्रस्ट के कितने सदस्य हैं, उनकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? समाज सेवा के लिए ट्रस्ट बनी है जी, कोई सदस्य कितने हैं? सदस्य 11 सदस्य जो मेन बॉडी में है, उसके अलावा 200 प्लस सदस्य हमारे जो मेन मेंबर बन चुके। 10 दिन के बाद आगे क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया है जरूरतमंदों की सहायता करना, जो कहीं पर कोई बेरोजगारी है उनको भी कोई काम दिलवाने के लिए आगे बढ़ना, कहीं पे किसी भी तरह की कोई समस्या, कोई बीमार है, कोई दुख दर्द है, कोई भी सेवा में हम हाजिर हैं। पहला साल है हमारा अभी, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, इस बाकी कार्यक्रम सर्वप्रिय है और आगे सबको भी साथ देते आ रहे हैं, हर एक मंचन के भी जा रहे हैं उस शहर में, तो सभी यहाँ राजनीतिक पार्टियाँ यहाँ पे आएंगी, रोजाना आएंगी, 11 दिन जो रामलीला होता है 11 दिन हर एक सामाजिक पार्टी का यहाँ कोई ना कोई प्रतिनिधि यहाँ आएगा और हमें साथ देगा, सहयोग देगा और प्रभु राम जी का वो आशीर्वाद देगा।